नमस्कार, मेरा नाम कविता नारायण है और मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने हमारी जो संस्कृति है ऐपण, जो हमारी देवभूमि है उसको, उसकी संस्कृति है ऐपण कला। हेलो दगड़ियों, आज मैं आ रही हूँ यो जिला पंचायत हॉल में। तो आज मैं पिथौरागढ़ बटे छू दगड़ियों। तो आज यो ऐपण कलाकृति यो दिखूंगी तुमसे, और यो हमारी दीदी छा जैल यो ऐपण कला बना रहे, ये बताएंगे आपको क्या कैसे बनाया इनने, क्यों बनाया। तो भैया हम कौन सा है, जिला पंचायत, जिला पंचायत घर में जा रहे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये हमारा जिला पंचायत घर, तो इधर से अंदर को जाएंगे, जाते एक बार बाइलो ले जा रहे हैं हमको रगड़े तरीके से, और देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। ये भैया स्टार्टिंग, ये दूसरी दुकान है। हेलो, आज मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से ये जिला पंचायत विभाग में आया हूँ, भवन में आया हूँ। तो आज ये मैम से बात करेंगे हम इस ऐपण कला के बारे में। तो मैम बताएगी आज ये ऐपण कला के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम कविता खनायत है और मैं पिथौरागढ़ के उत्तराखंड से हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऐपण से यहाँ पे बहुत सारी सामान बनाए हुए हैं, जो कि हमारी जो ऐपण कला है वो कहीं ना कहीं विलुप्त तो होती जा रही है। तो मैंने इसको एक नया रूप देने के लिए अलग अलग तरीके से इसमें ऐपण किए गए हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं पूजा थाल है, इसमें जो हमारे ऐपण है वो भी डाले हुए हैं। तो ये दीदी है जो हमको बताएंगी, और ये दादा हैं जो दादा दीदी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जो आपकी ये स्टील में बनाते हैं ना आप? हाँ जी। अच्छा, स्टील में तो ये किस वजह से क्या काम आता है? ये मेन पर्पज इसका ये है कि जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हम इसमें फूल लग सकते हैं, दिए रख सकते हैं इसमें, हम मतलब मंदिर में सिर्फ पूजा के काम आती है मेन। अगर हम पूजा की जा सकती है, मंदिर जाते हैं तो मंदिर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना रखा है इन्होंने, ये किस काम आएगी? इसका कीर्ति का मेन मकसद ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि हम पुराने टाइम पे जब गांव में हमारे आमा बुआ मेन केतली में ही चाय बनाते थे, पर आजकल आप देख रहे होंगे कि केतली का सिस्टम हट गया है। केतली में आजकल कोई चाय नहीं बनाता है, मतलब केतली मतलब ये लगता है कि एक एंटिक पीस जैसा लगता है। इसमें हम इसको जैसे डेकोर कर रहे हैं इसको, तो हम जैसे इसको कहीं पे सजा सकते हैं, इसको डेकोर कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि देखने में भी थोड़ा आकर्षित लगता है। आप इसका मतलब ये है कि आप इसे जीवित रखना चाह रहे हैं। और ये परंपरा एक दिखाई गई है, कुमाऊनी परंपरा, जहाँ तक मैं कहूँ, जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि इसमें एक महिला है और स्वागत कर रही है, और इसने पहना हुआ है पिछौड़ा है और पहनी हुई है, और बहुत ही सुंदर आपने बना रखा है। और कर रही है ये वाला ये काम तो मैंने ग्रेजुएशन है, मैंने पेंटिंग से करा है। और शुरुआत इसकी सबसे करी है आपने? शुरुआत तो मैंने
जैसे कि स्कूल में मेरी पेंटिंग की और कॉलेज में मेरी पेंटिंग भी स्टार्ट करा, तो फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें रहा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब बेसिक मैंने अब जैसे स्टॉल वगैरह, ये तो मेरा वैसे फर्स्ट स्टॉल है, पर जैसे मैंने बनाना स्टार्ट करा सेल भी, मतलब मैंने 2 साल पहले से स्टार्ट करा। अच्छा, कौन सी बनाती, मैं ये बनाती, मैं जब मैं 9th 10th में थी तब से मैं, कौन से कॉलेज से किया आपने? ये मैंने 2016-17 में एडमिशन लिया। एडमिशन जो फैकल्टी है वहाँ पर आर्टी की 4 साल का कोर्स होता है, फाइन आर्टी, पहले तो बीएफए बोलते थे, अभी भी बीएफए ही है। अच्छा, ठीक ठीक और ये आपको अगर ये, अगर ये देखने की बात हो तो ये कितना तक की चलेगा? वो है कि फ्रेम पे बात है, ये फ्रेम हम किस हिसाब से करेंगे, इसमें फिर हमारे जो कपड़े का कॉस्ट है, पेंट है और फ्रेम वगैरह है, इसका सबका कॉस्ट, और अब जो अपनी मेहनत है वो सब कुछ जोड़ के अपना बॉडी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। ये कार उनके पीछे भी आपने देखा होगा, कार के पीछे लगे होते हैं, और शायद वो कहाँ से आते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका मेन मकसद, इनका इस जो ये फ्लैग है, इनका मेन मकसद ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो भी आजकल के भैया लोग, लड़के हैं जो भी, वो अपनी बाइक में, कार में जो चाइनीज फ्लैग होते हैं वो लगाते हैं, तो जो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हाथों से बनी हुई जो हमारी संस्कृति है उसको हम प्रमोट करें, और जो चाइनीज माल है उसको दूर करें, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइनीज माल ही का प्रयोग करते हैं, तो हमें यहाँ की परंपरा बनी रहे। हाँ, बनी रहे तो बहुत अच्छा कर रखा है आपने, और दूसरा ये है कि आपने सारे कल्चरों को दिखाया है, और एक हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, बहुत सारे जो करते रहिए और आपका ये बड़ा बढ़ता रहे, और आपकी परंपराओं को आप जीवित, आपके द्वारा जीवित करते रहें, शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी फेसबुक की आईडी कवि खड़ायत नाम से है, और इंस्टाग्राम की आईडी एपन कलाकृति है, और आपको ये प्रोडक्ट मेरे दिख जाएंगे उस पेज में, और मैं इसमें नंबर भी मेंशन कर दूंगी नीचे से, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो दगड़ियों तुम्हें मंच की ओर ले जा रहे हैं, और यहाँ थोड़ा बहुत हल्ला भी नहीं करना है, क्योंकि मेरी से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची, तुम हो सितारों की परे हुई गलती, सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थी, अब तो आए जा हम खुले जाए जा अब तो आए जा हम खुले जाए जा देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, तो हम तो आस पास सास तुम्हें और रात साथ बात करे क्यों ना। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं, हम तो आस पास सास तुम्हें और रात साथ बात करे क्यों ना, रह लूं ना अब तो चाह रहे हैं, ला रहा है भैया हमारा, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं चाय वाला भाई हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, ये आगे वालों की खाब सुकरी है, उनको पिला दो। ठीक हो रही है, चाय एक घुटुक लगा के कैसे बताओ कैसी हो रही है, पीनी जैसी हो रही है।
सब उठने लग गए हैं धीरे धीरे। सर से क्या मुस्कान है इनकी। चलो यार खाने में खाना नहीं मिलेगा। एक सर हमारी है, इतना हंस क्यों रहे हैं यार। कैसा लगा? चलो तो सही। मेरे को तो बहुत चाय भी नहीं पिए, भूख लगा यार। ये हमारे सर, ये हमारे छोटे सर सुमित सर, सब उठने लग गए हैं। और यहाँ हमारे उत्तराखंडी कल्चर जो पिछौड़ी रंगीली पिछौड़ी वाला गाना क्या है, पूजी गया कमर तय नहीं मारे लटा का बढ़ चलो चसा कर तेरी बाली छा मारा। चलो चलते हैं हम घर को, अब भूख लग गई हमको। भात बनाया होगा घर में भात बनाया होगा। घर में चलते हैं घर में। यानी कितनी औसम है। तो गाइस मैं आप सबको भोजन खाने खाऊंगा नहीं, मैं लोगों को खिलाऊंगा। नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सब गुस्सा हो चुका है। ये सब भुखिया रखे हैं, देखो ये सब भुखा रखे हैं, सब भोजन खाने आ रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, सब भुखिया रखे हैं। क्या बोलते हैं बेचारे, चाय पी गए अपना काम चला रहे हैं, बेचारों को खाना नहीं मिलता है। मैं तो खाता नहीं हूँ आजकल, पता है आप लोगों को, बाहर खाता नहीं हूँ। जब से जने हुआ तब से बाहर खाता नहीं हूँ। बेचारे चाय पी के, ये देखो हमारे पीछे कौन है, चाय पी के काम चला रहे हैं यार सुबह। इनके लिए बहुत दुख लगता है, दुख दर्द कह देना। बड़े हरामी हो बेटा। रिटाया था दमेली पूजी गया कमर तू नहीं मरे लाटा पड़ जालो चसा का तेरे बाली छ उमर तेरी बाली उमर तू नहीं मरे लाटा का पड़ जालो चरे ठुमकान ले। हेलो गाइस कैसे हो आप। आज मैं पिथौरागढ़ मार्केट में आया हूँ गाना गाने। तेरी ढाई हाथ धमेली पूजी गया कमार तू नी मारे लाटा। सुकून का नाम सुना है। हाय हाय इतना सुकून। मेरी चुपके अकेली पौआ छेड़ा। ओ यार ये कितनी औसम है। अकेली पौआ छेड़ा के आई। अबे ओ वाला क्वार्टर क्या कहते हैं उसे, मैकडॉल का क्वार्टर चढ़ा के आई।